हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज फाइन। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से MySQL डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं विंडोज 10 में। लेकिन इस सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और वहां पे लिख देंगे MySQL डाउनलोड। ठीक है, सबसे पहला लिंक जो होगा उस पे हम जाएंगे जो है कि https://www.mysql.com/downloads। ये ऑप्शन वेबसाइट है MySQL की। ठीक है, तो जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की वेबसाइट में पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डाउनलोड वाले टैब पर नहीं हैं तो आप डाउनलोड वाले टैब पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर लास्ट में कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल लिंक्स है, जैसे कि MySQL कम्युनिटी सर्वर है, MySQL क्लस्टर है, MySQL राउटर और बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमें किस पे जाना है? MySQL कम्युनिटी सर्वर पर। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग नीचे जाएंगे, हमें किसी ऑप्शन पे भी नहीं जाना, हम नीचे आएंगे। अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र हैं, फॉर एग्जांपल Ubuntu है या दूसरे कोई लिनक्स है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडो है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें क्लिक नहीं करना, जाना है गो टू डाउनलोड पेज पे। ठीक है, तो हम लोग फिर से दोबारा नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपसे पूछेगा। ठीक है, आपका सेलेक्ट हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है और विंडोज 10 ऑलमोस्ट ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपने ये यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए, एक तो है डायरेक्ट वेब से होगा, जस्ट यहाँ पे आपके पास ISO की फाइल आ जाएगी और डाउनलोड ऑटोमेटिक होगा। अगर आप पूरा डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो सेकेंड ऑप्शन है और इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ पूछा है लॉगिन, अगर आप लॉगिन वगैरह नहीं करना चाहते तो नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट में डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास डाउनलोड पहले से हुआ तो मैं फिलहाल नहीं करूँगा, कैंसिल कर दूँगा। ठीक है, जहाँ पर मैंने अब तो हमारा होगा डाउनलोड कंप्लीट। अब बात करते हैं इंस्टॉल किस तरह से करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन की प्रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने यस पे क्लिक करना है। दोबारा यस पे क्लिक करना है आपने। ये थोड़ी फाइलें लोड करेगा, तो जैसे ही ये फाइल वगैरह लोड हो जाएंगी तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपसे ये लाइसेंस एग्रीमेंट की बात करेगा। आपको ये पूरा पढ़ना होगा, तो ये पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म पर क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा प्लीज़ सेलेक्ट द सेटअप टाइप दैट सूट यू योर यूज केस। आप क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल कस्टम, आपकी मर्जी, आप जिस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं डेवलपर डिफॉल्ट पे जाऊँगा और क्लिक कर दूँगा नेक्स्ट पे। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि MySQL फॉर विजुअल स्टूडियो, ये आपसे पूछेगा मैन्युअली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, तो आपने इस पे यस पे क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि रेडी टू इंस्टॉल है ऑप्शन स्टेटस में। ठीक है, तो आपने क्या किस बटन पे क्लिक करना है, एग्जीक्यूट पे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन
इंस्टॉल होते जाएंगे आपके पीसी में, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी। तो हमारी जो फाइल्स हैं वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है, तो अभी हम लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा रेडी टू कन्फिगर, ये चीज़ें रेडी टू कन्फिगर है, तो क्लिक नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछेगा हाई अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पर NODB क्लस्टर है और दूसरा है स्टैंड अलोन MySQL सर्वर, तो मैं स्टैंड अलोन पे करूँगा, बाकी आप रीड करके अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आएगा टाइप एंड नेटवर्क, मतलब आप क्या क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। एक तो सर्वर कंप्यूटर बनाना चाह रहे हैं, डेडिकेट कंप्यूटर या डेवलपर कंप्यूटर, मेरा तो डेवलपर है, बाकी आप रीड करके अपने चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने IP के मुताबिक, मेरे सेम रहेगी, ठीक है। और बाकी उसके बाद जो जो चीज़ें हैं वो डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ मैं, उसके बाद नेक्स्ट करूँगा मैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एन्क्रिप्शन फॉर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पर पासवर्ड आपने देना है MySQL रूट पासवर्ड, जब भी आप MySQL ओपन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा ऑथेंटिकेशन, तो आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम पासवर्ड देना है, सही है। इसके बाद ये तो आपका MySQL ओपन करने का पासवर्ड आ गया। उसके बाद आपने एक यूज़र भी ऐड करना है, एड यूज़र पे आएंगे, यहाँ पर आप नाम दे दें, ठीक है। यूज़र नेम मैंने दे दिया। उसके बाद पूछेगा आपके से कि होस्ट क्या हो, ठीक है। उसके बाद लोकल होस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ ओल्ड होस्ट पे। और इसका रोल क्या होगा, बैकअप एडमिन होगा, DB डिज़ाइनर या इंस्टेंस मैनेजर वगैरह, लेकिन मैं इसको DB एडमिन ही रख रहा हूँ। और ऑथेंटिकेशन MySQL ही रहेगी, और पासवर्ड याद रहे कि वो जो पहले हमने पासवर्ड दिया वो अलग था और ये अलग है, आप दोनों सेम रख सकते हैं, लेकिन ये यूज़र पासवर्ड है। ठीक है, उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। याद रहे कि ये पासवर्ड जो हमने दिया है डेटाबेस को ओपन करने के लिए और ये यूज़र को ऑथेंटिकेशन देने के लिए, कि ये यूज़र अगर होगा तो अगर ये यूज़र यूज़र पासवर्ड ये वाला एंटर करेगा तो ये एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका अलग रोल है और इसका अलग रोल है, ये याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि विंडोज सर्विसेज, ये चीज़ें आपको बताएगा, ठीक है। जो यहाँ पर MySQL 8.0 है, MySQL तो इसका नाम है, और 8.0 क्या है, जो वर्जन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्जन है MySQL सर्वर का वो यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट, कस्टम अकाउंट, आप की मर्जी जो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिफॉल्ट ही रखूँगा और क्लिक नेक्स्ट पे कर दूँगा। तो पहले की तरह यहाँ पर ये दोबारा से कुछ फाइलें एग्जीक्यूट करेगा, कन्फिगर करने के लिए इसको चाहिए होंगी, तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे। तो ये वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता कन्फिगर करता जाएगा। तो हमारी सारी फाइलें एग्जीक्यूट कन्फिगर हो चुकी हैं, तो अभी फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपके पास कन्फिग्रेशन कम्प्लीट हो चुकी है और रेडी टू कन्फिगर दो अभी चीज़ें हैं, तो क्लिक नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये आपसे कुछ इस तरह का पूछेगा, MySQL रूट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। उसके बाद फिनिश कर देंगे और फिर इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे रूट पासवर्ड मांगेगा जो हमने पहले दिया था यूज़र से, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करना है, ये आपसे पूछेगा कनेक्शन वगैरह, ठीक है। पासवर्ड मैच होने के बाद ये आपसे नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद लास्ट जो हमारी एग्जीक्यूशन होगी वो लेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिनिश, क्लिक नेक्स्ट, और ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, क्लिक फिनिश भी करेंगे।
ये हमारा SQL Workbench ओपन हो गया। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ से ओपन नहीं हो रहा तो आप स्टार्ट बार में जाकर यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ पर आएगा माय SQL, ठीक है, ये लास्ट में आ रहा है माय SQL न्यू। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा था माय SQL वर्क बेंच, हमारे पास जो है माय SQL शेल है, ठीक है, माय SQL इंस्टॉलर है, कमांड लाइन क्लाइंट है, ठीक है, और दूसरा हमारे जो है कमांड लाइन क्लाइंट सब है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब जो हमें काम करना है, ये जो शेल है फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ, और जो हमारा अभी काम है कि माय SQL को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना, तो वो किस तरह करेंगे, हम लोग स्टार्ट में आएंगे वहीं पे, और यहाँ से माय SQL में लास्ट पे आएंगे ऑप्शन में, और यहाँ से कमांड माय SQL क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना है, तो हमें माय SQL कमांड लाइन क्लाइंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो पासवर्ड दिए थे वहाँ पर, वो यहाँ पे पासवर्ड हमें एंटर करना है, ठीक है, एंटर कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो माई एसक्यूएल है उसमें डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस कौन से हैं मैं देखना चाह रहा हूँ, तो क्या यूज़ करेंगे, शो की कमांड यूज़ करेंगे हम लोग, शो डेटाबेसेस और सेमी कोलन दे देंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस हैं माई एसक्यूएल के अंदर, वो है इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल परफॉर्मेंस स्कीमा, सकीला, सेस और वर्ल्ड। अगर मुझे किसी डेटाबेस को यूज़ करना है थ्रू कमांड लाइन क्लाइंट के, तो किस तरह करेंगे, यूज़, जैसे मैं वर्ल्ड डेटा, ये जो डेटाबेस है उसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो वर्ल्ड और सेमी कोलन कर दूँगा, ठीक है। डेटाबेस चेंज, मतलब कि हम लोग इस वक्त वर्ल्ड डेटाबेस के अंदर हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि डेटाबेस के अंदर कौन, वर्ल्ड डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं, तो वो किस तरह होगा, शो, शो की कमांड से ही होगा, और टेबल्स कर दूंगा मैं और सेमी कोलन एंटर। तो इसके अंदर बता रहा है कि टेबल्स इन वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड डेटाबेस के अंदर तीन टेबल्स हैं, एक सिटी, दूसरा कंट्री और तीसरा जो है कंट्री लैंग्वेज का, ठीक है। तो हम लोग एक तो कमांड लाइन के ज़रिए भी कर सकते हैं, और दूसरा जो हमारा GUI बेस यानी के माई एसक्यूएल वर्क बेंच है उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। वो किस तरह होगा, जैसे हम लोग वर्क माई एसक्यूएल वर्क बेंच ओपन करेंगे, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डेटाबेस का, डेटाबेस में आकर यहाँ पे है ऑप्शन कनेक्ट टू डेटाबेस। जैसे इस पे आएंगे तो सबसे पहले आएगा स्टोर कनेक्शन, स्टोर कनेक्शन पे आएंगे हम लोग, लोकल इंस्टेंस हमारे पास एक ही ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है, उसके बाद सारे कीप डिफॉल्ट रखना है, और यहाँ पे यूज़र जो हमारा है वो रूट होगा, और स्टैंडर्ड TCP/IP होगा, TCP/IP, उसके बाद होस्ट नेम जो होगा वो लोकल होस्ट ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो पासवर्ड हमने रूट को वहाँ पे असाइन किया था वही यहाँ पर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देना है, और यहाँ से भी ओके कर देना है, तो ये अभी कनेक्ट हो जाएगा हमारे डेटाबेस के साथ, ठीक। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं। अब जो हमें, हमने जो देखे थे क्लाइंट में शेल, जो कमांड लाइन क्लाइंट है उसमें हमने अपने डेटाबेस देखे थे और टेबल, तो वो हम लोग इस पर किस तरह से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन का आ रहा है, दूसरा स्कीमा का। स्कीमा पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे सकीला, सेस और वर्ल्ड के तीन जो डेटाबेसेस थे हमारे जो कि इसमें शो हो रहे थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने वर्ल्ड सेलेक्ट किया तो उसके अंदर तीन टेबल थे, एक तो सिटी का था, कंट्री का था, टेबल्स पे आएंगे, सिटी का था, कंट्री का था और कंट्री लैंग्वेज का था, तो इस तरह से होगा। अगर हमें कोई डेटाबेस टेबल यूज़ करना हो तो उसको इस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो माई एसक्यूएल किस तरह डाउनलोड करते हैं, किस तरह इंस्टॉल करते हैं, और उसको किस तरह हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस के साथ, तो आज की वीडियो में यही इतना ही था।
कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।